एक अलग डिवाइस लेंगे जो है, एक एक्वागार्ड या कोई भी थ्री स्टेज प्यूरिफिकेशन वाला फिल्टर, जिसे हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और जिसका मैकेनिज्म हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि घर बैठे आप इसको, अगर कोई पार्ट इसके मार्केट में आसानी से अवेलेबल ना हो, तो इसे आप घर बैठे रिपेयर कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसे चालू करने के लिए ये कोई म्यूज़िक वगैरह दिया है इसमें, ये ड्रॉप और ये कुछ है जो कंपनी अपने अपने हिसाब से लगा देती है, ये LED वगैरह। लेकिन दोस्तों हम प्राइमरीली फोकस करेंगे इसका भी, जो हम जब शुरू करते हैं तो ये कुछ शुरू नहीं होता है दोस्तों, और पानी भी नहीं आ रहा है। तो ये फिल्टर कंप्लीट डेड है, और जो भी कस्टमर है इसने इसको रिप्लेस करके दूसरा फिल्टर बिठा दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार इसी फिल्टर को हम रिपेयर करके फिर से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके स्क्रूज हमें निकालना है। तो स्क्रूज निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर लगे हुए ये और ये दो स्क्रू निकालना है। ये देखिए, ये एक स्क्रू हमने निकाल दिया, ये दूसरा निकाल दिया। इसके बाद इसको लिफ्ट करके ये देखिए दोस्तों, ये हमने स्क्रू जस्ट मैंने निकाल दिया है, क्योंकि आप पूरे सर्किट को समझे, ज़्यादातर को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कुछ ही वायर निकाल करके आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। फिर भी मैं पूरी तरह से आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, इसे तो दोस्तों सबसे पहले इसका फंक्शन जानते हैं। तो इस फिल्टर में होता क्या है, सबसे पहले दोस्तों पानी यहाँ से इनपुट दिया जाता है
और इनपुट के बाद ये पानी, इससे पहले एक प्री फिल्टर लगाया जाता है जिसमें आप सेडिमेंट फिल्ट्रेशन वगैरह होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन फिल्टर है। इस कार्बन फिल्टर में ये पानी जाता है। कार्बन फिल्टर के पास देखिए, यहाँ से ये पानी यहाँ पे इस यूवी चैम्बर में जाता है, और यूवी चैम्बर के बाद यहाँ पे आपको पानी बाहर निकलता है यहाँ से, इस पाइप से। और जो कि आप इसमें 3 लेवल का 3 स्टेज प्योरीफिकेशन सिस्टम है। और दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर ये देखिए ये सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको आपको कंसिडर नहीं करना है। अगर आपके पास इनफ कैश है, ये सर्किट मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसे खरीद सकते हैं, उससे कंपनी को फ़ायदा होगा, जो भी उस पर निर्भर है उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं वो करें दोस्तों, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो वो करें, अच्छा नया सर्किट लेकर के यहाँ पे फिट करके लें टेक्नीशियन को बुला के। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये दोस्तों सस्ते में आपको रिपेयर करके हैक कैसे करना है, और ये इस फिल्टर को फिर से वर्किंग में कैसे लाना है ये दिखाऊंगा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले इसके जो कार्ट्रिजेस है, इसके अंदर ये कार्ट्रिज आपको देखनी है अच्छी है कि नहीं। अगर कार्ट्रिज अगर ठीक नहीं, तो कार्ट्रिज को आपको रिपेयर करना होगा, सॉरी कार्ट्रिज को आपको चेंज करना होगा। जिसमें ये जो कार्ट्रिज है यहाँ पे, इसमें एक कार्ट्रिज होती है, इसको घुमा करके आपको इस कार्बन फिल्टर चेंज करना है। फिर प्री फिल्टर जो होता है, उस प्री फिल्टर की कैंडल को भी आपको चेंज करना है। दो चीज़ हो गई दोस्तों, और इसमें एक यूवी ट्यूब होती है, उसको भी आपको चेंज करना है दोस्तों। तो उसके बाद आपको अगर क्या करना है, तो यहाँ पे ये आपको एसी वायर होती है दोस्तों। देखिए ये जो सर्किट है, इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, ये ख़राब हो गई है। आप जानते हैं आप इसका हैक कैसे बना सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको एक सर्किट दिखाऊंगा, उस प्रकार से आपको काम करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी जो ये वाली एसी वायर है, ये एसी वायर है, उसकी एसी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एसी पावर। एसी पावर को ये देखिए, ये हो गई पॉजिटिव, और एसी से आपकी ये भी नेगेटिव वायर। इस वायर्स को दोनों को आपको यहाँ पे लाना है, अंदर कनेक्ट करना है। इस वजह से इस कनेक्शन को आपको यहाँ से कट करना है, ये देखिए दोस्तों। और इस पूरे सर्किट को आपको यहाँ से, बाकी का ये जो सिस्टम है, इसको आपको यहाँ से हटा देना है। इसको हटा देने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये दोनों वायर्स आपको सिर्फ रेड और ब्लैक का इस्तेमाल करना है, और इस ग्रीन वायर का आपको इस्तेमाल कोई भी नहीं है। तो दोस्तों इन वायर्स को यहाँ से कट करें। कट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये दोनों वायर्स हैं कट की हुई। इसके आगे आपको इसमें दो चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत है इस पॉइंट को। ये देखिए यहाँ पे आपको एक तो लेना है एसी 12 वोल्ट डीसी एडाप्टर, 12 वोल्ट डीसी एडाप्टर लेना है दोस्तों एक। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए, वो चाहिए यूवी चोक। यहाँ पे यूवी चोक जिसकी कीमत लगभग 200 से 250 रुपए, और 12 वोल्ट अडप्टर जो है, ये जो 1 एम्प या 2 एम्प का आप ले सकते हैं, ये आपको किसी भी आपके सेट टॉप बॉक्स जैसे टीवी में मिल जाएगा। आसानी से खराब हुआ कोई भी आपका सेट टॉप बॉक्स है, वहाँ से उसको आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे उसको पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव यहाँ से देनी है, और ये नेगेटिव इस सेट टॉप एसी अडप्टर को, ये जो 12 वोल्ट डीसी अडप्टर को लेनी है। उसी प्रकार से इसके यूवी चॉक जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उसकी भी यहाँ पे उसको पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव सप्लाई उसमें देनी है। फिर यूवी चॉक से आपको 2+ यहाँ से 2, ऐसे 4 पिन्स आपको, 4 वायर्स आपको निकाली हुई दिखेंगे दोस्तों। उन दोनों वायर्स को आपको कहाँ पे लगाना है मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इस फिल्टर का यूवी चैम्बर, ये देखिए ये एल्यूमिनियम का जो है, इसमें आपको यूवी ट्यूब लगी हुई रहती है, यही यूवी चैम्बर है दोस्तों। और वो जो 2+2 पिंस हैं, वो ये देखिए ये दो वायर्स हैं, इनको यहाँ से कट करना है दो ब्लैक वायर को, और बाकी का सब यहाँ का हटा देना है। इन दो वायर्स को यहाँ से कट करना है, और यहाँ 2 पिंस की कनेक्शन यहाँ देना है। ये रहा आपका यूवी, फिर ये दो इनपुट पिन वायर्स यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। इसी प्रकार से 2 वायर्स आपको इस साइड में मिल जाएंगे, ये देखिए ये 2 वायर्स, यहाँ पे आपको 2 वायर्स को जोड़ना है,
तो ये तीन दो हो गई और ये दो हो गई, जो आपने जो दिया। फिर इस डीसी एडाप्टर से दो वायर्स निकलेंगे दोस्तों, तो उसको उन दो वायर्स को आपको लेना है। देखिए इसमें ये जो है ये दोस्तों ये वाला ये सोलनॉइड वायर, इसमें ये दो वायर्स हैं। देखिए सोलनॉइड वायर्स वायर में ये दो वायर्स हैं, इन दोनों वायर्स को कट करके यहाँ पे उसे जोड़ देना है। इसमें इसमें जोड़ देना है और ये बाकी का जो है इलेक्ट्रॉनिक कचरा है इसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जो पिन ये जो वायर आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, यहाँ पे एडीआर लगा होता है, जैसे कि अगर आपकी यूवी ट्यूब खराब हो गई हो तो ये आपको बता देता है। ये देखिए दोस्तों ये आपको बता देता है कि यूवी ट्यूब अगर आपकी खराब हो गई है तो यहाँ पे आपको कोई इंडिकेशन वगैरह मिलता होगा या तो इस सर्किट में ऐसा कुछ बनाया होगा। इसे भी आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों इस एडीआर की एक वायर को आप पॉजिटिव सप्लाई दें और दूसरी तरफ कोई आप एलईडी या छोटा सा बल्ब लगाएंगे और इस बोर्ड के सामने आप लगाएं और उसमें रजिस्टर लगाएं उस कैपेसिटी का और 0.5 वाट में उसे कन्वर्ट करें और उस एलईडी को आप इस दूसरी वायर की पॉजिटिव सप्लाई उस एलईडी को दें और न्यूट्रल आप उसको डायरेक्टली दें। और जब भी यहाँ पर ये यूवी लाइट नहीं चलेगी दोस्तों तो यहाँ पे ये बल्ब आपका एलईडी ग्लो होगा बाहर बाहर जो आपने लगाया है। और इस प्रकार से आप जान सकेंगे कि इसमें जो ट्यूब है, इसमें ट्यूब होती है दोस्तों, वो ट्यूब चालू है जल रही है या नहीं है। इस वायर का यही फंक्शन है दोस्तों। और बाकी जो है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट यहाँ की है, इसे आप निकाल के हटा सकते हैं। आपका जो पूरा सर्किट है वो यही है दोस्तों, इस 12 वोल्ट डीसी एडाप्टर जो आपको 50% सेट टॉप बॉक्स है, आप पुराने सेट टॉप बॉक्स है अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप मार्केट से ले सकते हैं या आप ये भी ले सकते हैं 24 वोल्ट/36 वोल्ट SMPS RO। ऐसा अगर आप ये अगर आप ई कॉमर्स किसी भी वेबसाइट में टाइप करें तो ये आपको एडाप्टर मिल जाएगा। इसमें 24 वोल्ट की दो वायर हैं, उन दोनों वायर्स को आपको यहाँ पे आगे ले जाके सोलेनॉइड वाल उसमें लगा देना है दोस्तों। उसमें लगाने के बाद ये जो फिल्टर है आपका वो फिर से जैसे कि आप और एक ध्यान रखें दोस्तों, ये सब एसी में एसी पिन जो है इसे निकाल करके करें, वरना आपको इलेक्ट्रिसिटी का झटका भी लग सकता है। इसके लिए पिन निकाल करके ये सब काम करें, चालू रखे कुछ भी काम ना करें दोस्तों। और बाकी जो ये सर्किट है इसको आप निकाल के हटा सकते हैं और आपका फिल्टर पानी पीने के लिए आपको अच्छा प्योर पानी देने के लिए आपका फिल्टर रेडी हो गया दोस्तों। इस प्रकार से अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें या पर्सनली addgoa@gmail.com इस मेल पर आप मुझे मेल भी भेज सकते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।